खबर शामिल करते हैं अलखिदमत फाउंडेशन टनुलियार आरफन सपोर्ट प्रोग्राम के तहत आरफन बच्चों की जहनी तरबियत के सिलसिले में वादे की पासदारी के इनवान के तहत ज़िलाई दफ्तर में प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इसमें बच्चों के साथ साथ ईद मिलन पार्टी का केक काटा गया। इस मौके पर अलखिदमत हॉस्पिटल टनुलियार के एडमिनिस्ट्रेटर और जमात इस्लामी के ज़िलाई नायब अमीर मोहम्मद यूनस कायम खानी, मुतहदा इतिहाद अब्बासिया इंटरनेशनल के राबता सेक्रेटरी और सीनियर सहाफ़ी अब्दुल हमीद अब्बासी, ताबिश कम्बो, अब्दुल्ला यासी, मुगल ताहर खोखर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आरफन बच्चों के लिए ऐसे प्रोग्राम का इनेकाद एक अच्छा शगुन है। किसी मुल्क और कौम की तरक्की और इसका मेमार बच्चे अदा करते हैं। इस माशरे में इन्हें वादे की तकमील पर अहमियत पर आगाही फराम करना एक अच्छा कदम है। उन्होंने मजीद कहा कि जो कौमें अपने वक्त को सुबह तौर पर इस्तेमाल करती हैं वो कौमें तरक्की हासिल करती हैं और अपने फर्द अपने वादों की पासदारी करते हैं वो कामयाबी की मंजिल को हासिल करते हैं। हमें चाहिए कि अपने वादों की तकमील के लिए हर मुमकिन कोशिश करें ताकि हम अपनी मंजिल को हासिल कर सकें। सबसे पहले अल्लाह से वादे किए गए वो तकमील करने चाहिए और फिर माशरे की तरक्की और मुल्क की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए।